अस्पताल में आग, लापरवाही ने ली जान। जी हां, ग्वालियर के सबसे बड़े अस्पताल जय आरोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में एसी ब्लास्ट हुआ और इस कारण एक मरीज की मौत हो गई है। यहां पर कुल 10 मरीज एडमिट थे। एसी में ब्लास्ट के बाद एसी में आग लग गई और मरीजों को आनन फानन में दूसरे वार्ड में शिफ्ट कराया गया। मामले में एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है कि आईसीयू में जो फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स लगे हुए थे वो एक्सपायर थे। ये सभी इक्विपमेंट साल 2022 में ही एक्सपायर हो गए थे। संभाग आयुक्त, कलेक्टर और एसडीएम मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया। ट्रॉमा सेंटर के साथ ही दूसरे वार्डों का भी निरीक्षण किया गया। कलेक्टर रुचिका चौहान ने इस पूरे मामले में इस हादसे में जांच के आदेश दिए हैं। फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। और बड़ी बात यह भी सामने आई है कि एसी काफी पुराने थे, 24 घंटे चलते हैं, ये खुद कहना है रुचिका चौहान जो कि ग्वालियर के कलेक्टर है उनका। शॉर्ट सर्किट के बाद ये घटना हुई है। मेडिकल कॉलेज के डीन और अधीक्षक ने भी जायजा लिया है और मामले में कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट से भी बातचीत हुई। आईबीसी 24 के साथ वो जुड़े और उन्होंने कहा कि मरीज की सामान्य मौत हुई है, इस मौत का एसी में ब्लास्ट से कोई संबंध नहीं है। और ना सिर्फ तुलसीराम सिलावट बल्कि इस अस्पताल के जो डीन है आरकेएस धाकड़, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका भी यही कहना है कि मरीज की सामान्य मौत हुई है, इस हादसे के कारण मौत नहीं हुई है। हालांकि जांच हो रही है। मेरे पिताजी भर्ती थे यहाँ पर, करीब 7 बजे के लगभग एकाएक अंदर से धुआं, एसी में आग लगी, सभी पेशेंट घबरा गए। तुरंत डॉक्टरों को सूचना की तो डॉक्टर वगैरह सब लोग का स्टाफ आया। मैंने देखा, किसी ने बताया कि आग लगी, मैं वहीं से भाग करके आया, आप चिल्लाते हुए बाहर तक गया, चिल्लाते चलाते फिर गार्ड आए तो किसी ने फायर चलाया, उसको बुझाया। पापा की डेट हो गई ऑक्सीजन निकलने से। एसी में आग लग गई थी, ऊपर जल गया था तो पापा नीचे ही लेटे थे। शॉर्ट सर्किट हुआ था पर उसमें बहुत जल्दी, उसमें 1 या 2 मिनट में काबू पा लिया गया और जो हमारे डॉक्टर्स ड्यूटी पे थे उन्होंने सारे मरीजों को सुरक्षित वहाँ से शिफ्ट कर लिया। देखो, यहाँ एक कभी ट्रॉमा सेंटर में सवेरे एक शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसकी वजह से मतलब क्या कहते एसी में आग लगी है और जो ट्रॉमा सेंटर में जो पेशेंट भर्ती थे वो सब सुरक्षित हैं और एक पेशेंट में की डेथ इसलिए हुई है क्योंकि उसका परसों ऑपरेशन हुआ तो वो भी M1 में था, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था, बाकी कोई जनहानि नहीं हुई है। ये काफ़ी पुराने हैं और मेंटेनेंस हालांकि इनका रेगुलर होता है लेकिन हॉस्पिटल टाइप की फैसिलिटी में ये 2400 घंटे चलते हैं, दे रन नॉन स्टॉप, तो निश्चित रूप से उनकी हीटिंग होने की संभावना रहती है। तो अभी आयुक्त महोदय ने भी निरीक्षण किया है और ने निर्देश दिए हैं कि इसका दोनों चीज़ों का, फायर सेफ्टी का और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का, एक ऑडिट करा लिया जाए और इसमें क्या बेहतर किया जा सकता है उसके प्रयास किए जाएँ। तो आप सुन रहे थे ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान को, इसके साथ ही तमाम जो अस्पताल प्रबंधन के अधिकारी हैं उनको भी आपने सुना। और ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है जय आरोग्य अस्पताल और यहां पर आज सुबह ट्रॉमा सेंटर में एसी ब्लास्ट हुआ, एक मरीज की मौत हुई है और अभी वहां पर कैसे हालात हैं इसका जायजा ले रहे हैं IBC 24 संवाददाता नासिर गौरी। जयरोग अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जो आईसीयू था उसका एसी फटने के बाद अब सुरक्षा उपकरणों पर सवाल उठ रहा है। मेरे पास में ये देखेंगे कि आप ये फायर इक्विपमेंट है, आप देखेंगे कि एक्सपायरी है, 2021 से 2022 तक का इस पर टैग लगा हुआ है, क्वालिटी फायर का है ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह के अगर ये चीज़ें मौके पर उस समय काम कर जाती तो शायद ये एसी पर काबू पाया जा सकता था। और आप देखेंगे कि और भी जो इक्विपमेंट्स हैं सभी पर जो लेवल है वो आप देखेंगे इस पर तो गायब ही है कि कब एक्सपायर होना है, कब असेंबल हुआ है, तो ये सारी चीज़ें गायब है। और आप देखेंगे कि ये बड़ा घटनाक्रम था, अगर वाकई में ये फायर इक्विपमेंट होते सही होते तो शायद ये जो आग पर काबू पाया जा सकता था। तो और भी इक्विपमेंट देखिए सभी पर ये दिख रहे होंगे आप पे, किसी पर भी ये टैग नहीं है कि कब है, कब असेंबल हुआ और कब तक किसकी डेट्स है, यानी कि ये एक बड़ी खामी है इस अस्पताल की, यानी कि इस आईसीयू की। अगर वाकई में ये रहते तो शायद ये बड़ा घटनाक्रम नहीं होता। और आप देखेंगे कि पूरा जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल आपको दिखाई दे रहा है, एसी सबसे पहले आपको हम दिखाई रहे कि एसी की हालत देखिए, इससे समझिए कि कितना बड़ा घटनाक्रम रहा होगा अगर मौके पर उस पर काबू पाया नहीं गया होता, मरीजों को बाहर नहीं निकाला गया होता। लेकिन सवाल यही है कि ये फायर इक्विपमेंट्स का काम था आग बुझाने का, लेकिन ये काम नहीं किए।
और साथ ही एक्सपायरी थे, किसी पर लेवल ही नहीं है, तो सवाल सबसे बड़ा सुरक्षा उपकरणों पर उठ रहा है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।